तो लास्ट क्लास हम मैंने फॉर्मूला बताया था डेरिवेटिव का, हाँ हम फटाफट फिर से लिख देता फॉर्मूला। जे डी एफ एक्स का डेरिवेटिव को हम लोग कैसे डिनोट करता है, एफ डैश एक्स से, ठीक है। और एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या मिला था, एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए नीचे एच एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, कोई डाउट, ठीक है। सर, एक बात पूछना था। डेरिवेटिव हाँ ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैसे। भाई इम्पोर्टेंट है, बिकॉज पूरा 12th में चाहिएगा, खत्म। तब ठीक है, वही पूछा था मतलब। सॉरी, ये एक्स टेंस टू ए नहीं है, एच टेंस टू जीरो। हम ओके, अब देखो ये तो एट पॉइंट ए था ना, आया ना, हम लोग एट एनी रैंडम पॉइंट चाहिएगा, तो वहीं देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू, ए का जगह एक्स आ गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, यानी कि ये तुमको एफ डैश एक्स इन फंक्शन ऑफ एक्स में मिल चुका, वैल्यू का जगह फंक्शन, जैसे एफ एक्स एक फंक्शन है वैसे एफ डैश एक्स भी एक फंक्शन है, उसका जो जनरल फॉर्म है वो मिल चुका। यानी कि इतना टाइम क्या था, देखो बताता है, फॉर एग्जाम्पल इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और हम बोला निकालो फाइंड एफ डैश टू, ओके, तो तुम क्या करेगा, फॉर्मूला लगाएगा और तुमको मिलेगा एफ डैश टू इज इक्वल टू फोर, ये हम लोग लास्ट क्लास निकाला था, ठीक है। ओके फिर बोलेगा फाइंड एफ डैश सिक्स, फाइंड एफ डैश सेवन, तुम क्या बार बार फॉर्मूला लगाते रहेगा, नहीं, उससे बेहतर तुम क्या करो, तुम एफ डैश एक्स निकाल लो, और जब तुम एफ डैश एक्स फॉर्मूला लगाएगा ये आएगा ट्वाइस एक्स, अब जो तुमको निकालने दिया तुम एक्स का जगह बैठाते रहो, फॉर्मूला से ट्वाइस एक्स कैसे आएगा? हाँ, हाँ हम बता देगा कैसे आएगा, पर तुम लोगों को मिला है ना अभी फिजिक्स में डिफरेंशिएशन, फिजिक्स वो तो पता है, वो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर हाँ देता है ना, डीएक्स बाई डी 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 एक्स ऑफ वैसे एक्स करके, स्क्वायर इज ट्वाइस डी एक्स बाई डी टेंस एक्स टू इक्वल जीरो, टू, डिफरेंशिएशन सब मिल गया, ट्रिपल चलो डिफरेंशिएशन सब वो तो हो। चलो तुमको बेसिक आइडिया है डी डी एक्स मिला हुआ है, तो उसमें हम बाद में आएगा, तो एफ डी एक्स इज टू एक्स, अब ये फॉर्मूला से कैसे आएगा ये सवाल उठता है, चलो करके देखते हैं कैसे आएगा। एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ लिमिट एच टेंस टू एक्स जीरो जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, अब एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है या नहीं, बस बैठाओ, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एक्स प्लस एच होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, एफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच, चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम। क्या किया अरे अगर एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एक्स एच प्लस एच होल प्लस स्क्वायर नहीं होगा, खाली हाँ, एक्स का जगह एक्स प्लस एच आया, कोई डाउट, ओके ओके, नहीं, ठीक है। व्योम आदित्य स्वयं, हाँ अब देखो नॉर्मल आगे का तरह ही है, ब्रेक करो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एच, कोई प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर कट नहीं गया, अच्छा ट्वाइस एच एक्स है, हाँ टू ए बी, अब हम थोड़ा कॉमन सा ले ठीक लेते से हैं, लिख दो, दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा, वो ड्राइंग सेट तो ट्वाइस ए बी भी हमको सिखाना पड़ेगा क्या, नहीं, हम लोग लिखेगा तो फिर हाँ हम तो टू बाद ए में बी लिखेंगे ना है, मैसेज। टू ठीक एच है है, सर, ठीक माफ है सर, करो, हमसे गलती हो गई। लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या बचेगा, ऊपर हम एच कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा, टू एक्स टू एक्स प्लस प्लस वन, एच बाई एच, ये एच स्क्वायर है ना, अच्छा एट स्क्वायर है, ओके। एच और एच कट गया, और हाँ जी लिमिट बैठा लो हाँ, एक्स का जगह, एच का जगह, टू एक्स आ गया, टू एक्स प्लस जीरो क्या होता है, टू एक्स, टू एक्स, तो देख सकते हैं एफ डैश एक्स टू एक्स निकल गया। अभी इतना बड़ा मेथड है, निकल पर क्लास इलेवन टू क्लास ट्वेल्व में इतना बड़ा मेथड नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा, गया, ट्वेल्व सही में है, ट्वेल्व लिमिट नहीं से लगाना पड़ा है, ट्वेल्व में विदाउट यूजिंग लिमिट हम लोग को डेरिवेटिव का फॉर्मूला मिलेगा, इलेवन में यूजिंग लिमिट है और कुछ नहीं, बस यही फर्क है। तो एक काम करो ये फॉर्मूला लिखो एज एन एग्जाम्पल, ये उतार भैया लो, हम लोग फॉर्मूला अभी नहीं यूज कर सकते हैं क्या?
नहीं, इलेवन में नहीं कर क्योंकि सकता। दिक्कत क्या ये है, ये भी तो डिराइवेटिव है, वो भी डिराइवेटिव ही हाँ, है। पर जब क्वेश्चन में मेंशन ही है कि तुम्हारा कोर्स में यूजिंग लिमिट करना है, तो सब्जेक्टिव में यूजिंग लिमिट करना पड़ेगा। अब एमसीक्यू में तुम्हारा चॉइस है, तुम जो करना चाहता है, तुमको आता फॉर्मूला यूज करो एमसीक्यू में, कौन रोक रहा सर है? एक बार रिकॉर्डिंग रुका है क्या? नहीं रुका होगा, अभी रुकेगा नहीं। देखो, इफ एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर फाइंड एफ डैश एक्स, हम निकाल दिया एग्जाम्पल, तो ये फॉर्मूला उतार लो, वेर एफ इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, यहाँ लिख सर दिया। हम एक काम करेगा, कल का भी वीडियो मेरे को देखना है, मम्मी मतलब दिखता है आज ही, तो कल देख के दोनों का नोट्स एक साथ लिखते वेर एफ इज ए हैं। हाँ रियल वैल्यूड फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन। एंड लिमिट एग्जिस्ट। ओके, उस पॉइंट में लिमिट एग्जिस्ट करना पड़ेगा, तभी एफ डैश एक्स निकलेगा। तो इस फॉर्मूला को बोलता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, हाँ इसको बोलता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। पहले इतना उतार लो, फिर लिखना। लिया भैया। ये ऊपर वाला नहीं लिखना है, ये तो चलेगा यहाँ से। और ये एग्जाम्पल उतार लिया एफ डैश एक्स का, किसी को कोई डाउट? नहीं पक्का जी, आगे बढ़ सकता है हम? अरे पक्का? बाप रे, और कितना बोलेगा बाप को। अब देखो, एफ डैश एक्स को हम लोग डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स से भी डिनोट करता है, ठीक है? और इफ एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो क्या डिनोट करता है? डी वाई डी एक्स, डिवाइड वेर वाई इक्वल टू एफ एक्स। एक बार देख लो, एफ डैश एक्स मतलब डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, मतलब नीचे जो डी एक्स है उसका मतलब ये जो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स चेंज हो रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिराइव कर रहा है, ठीक है? डिराइव मतलब चेंज ना हाँ, भैया। चेंज वही जो एफ एक्स है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स चेंज हो रहा है, या फिर जो वाई है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स मतलब चेंज हो एक्स रहा में जो चेंज कर रहे हैं उसके कॉरेस्पॉन्ड वाई में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको है। हाँ डेराइवेटिव बोला। वही वही। हाँ, डन। अच्छा, अब एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर निकालने देता है तो हम लोग कैसे लिखता है? सिंपली एफ डैश ए लिख, एफ डैश ए लिखता है, या फिर ऐसे भी लिख सकता है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए, और डी वाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, हाँ कोई डाउट? नहीं, आगे बढ़े, हाँ भैया वो नोटेशन लिख लिया। लिख लिया। अब एग्जाम्पल नाइन देखो, जो बुक में दिया तुम लोग का एग्जाम्पल नाइन है, क्या है पता नहीं, ये मेरा ओल्ड बुक डाउनलोड है, एक बार चेक कर लो। क्वेश्चन हेलो बोलो। भैया देख हम लो, 1 मिनट में आ रहे हैं। हाँ आओ फटाफट, सर हम भी 1 मिनट में आ रहे हैं, जब हम बोलते तो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑन हो क्यों गया। करते। हाँ भैया ओके। अब देखो, ये कौन सा एग्जाम्पल देख लेना तुम लोग का बुक में, ठीक है, नया बुक में। एग्जांपल 9 तो नहीं है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, देख लो कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक नाइन है, नाइन है, नाइन है, पेज है, नंबर तो 242 पे। देखो, गिवेन एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, डेरिवेटिव निकालने दिया, सो देयरफॉर एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या था? एफ लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, दैट मीन्स लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखो, अगर एक्स में टेन एक्स हो रहा है तो एक्स प्लस एच में क्या होगा? टेन एक्स प्लस एच, कोई प्रॉब्लम? हाँ माइनस टेन एफ एक्स एक्स प्लस का जगह टेन टेन एक्स, कोई एक्स प्रॉब्लम? नहीं बाई भैया। एच, बस फंक्शन का जगह बैठाना और कुछ नहीं करना, बाकी कैलकुलेशन अपने आप है। अब टेन मल्टीप्लाई करो, क्या बचेगा? 10h टेन बाई एक्स h प्लस टेन एच माइनस टेन एक्स, यही बचेगा। 10 बचेगा सिर्फ। टेन एक्स कट गया,
लिमिट एच टेंस टू जीरो, 10 h बाई एच, एच एच कट गया एंड सिंस 10 कांस्टेंट है बाहर आ गया तो 10 बाहर आ अकेला बच गया, गया उसका लिमिट 1। तो यानी कि एफ डैश एक्स 10 है, यानी कि एक्स का कुछ भी वैल्यू हो हमेशा डेरिवेटिव क्या आएगा, 10 टेन ही आएगा। तो एफ डैश एक्स इज 10, उतार लो और देखो कोई डाउट है क्या। तुम ऑब्जर्व करेगा एग्जाम्पल 10 हम ऑलरेडी करवा चुका है, ऑब्जर्व करते हैं। हाँ भैया एग्जाम्पल 10 ऑलरेडी हम करवा दिया। अब लो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए, चलो वो भी निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल 11 ये उतार लिया, हाँ भैया उतार लियो। सबको उतारा, हम आगे स्टार्ट करें चेंज करें। करो स्वयं व्योम उतार लिया सर। हाँ भैया एग्जाम्पल 10 एफ एक्स इक्वल टू ए, ए इज एनी रियल नंबर, तो क्या आएगा सिंस एफ एक्स ए है तो एक्स प्लस एच होने पे भी क्या आएगा, ए ही आएगा। एफ एक्स होने पे भी क्या आएगा, ए ही आएगा। व्हाट इज ए माइनस ए, जीरो बस। तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, क्यों, जीरो पे। डेरिवेटिव मतलब चेंज। अब जो फंक्शन कांस्टेंट है वो चेंज ही नहीं होगा, हाँ तो समझ रहे ना व्यूम आदित्य। डेरिवेटिव कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब क्या था, चेंज होना। अब जो फंक्शन कांस्टेंट है वो चेंज ही नहीं होगा तो डेरिवेटिव जीरो, कोई डाउट, क्लास 9 में पढ़ा होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। जीरो होता है, और हम बोला था वेलोसिटी का डेरिवेटिव ही एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी बदल ही नहीं रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा ही, तो वैसे ही डेरिवेटिव जीरो होता है, कोई डाउट। तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव जीरो होता है, क्लियर। भैया हम लिखा नहीं है, एक मिनट रुकना। हम एक जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता है तुम लोगों को, एमसीक्यू में यूज कर लेना करना है तो। अगर एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एक्स पावर एन, तो जो एफ डैश एक्स होता है ये होता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, पावर बाहर आ जाता है और एक पावर घट जाता है। तुम ऐसे सोचो, सबट्रैक्ट हो जाए। पावर बाहर आ जाता है और एक पावर घट जाता है, डिग्री कम जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एफ एक्स एक्स पावर 2x पावर 10 है तो ऑब्वियसली एफ डैश एक्स 2 तो 2 ही रहेगा, कॉन्स्टेंट हमेशा बाहर रहता है। 10 बाहर ले आओ और एक पावर घटा दो, ये पावर बाहर आएगा और एक पावर घट गया, तो क्या बन गया, 20x पावर 9, कोई डाउट। जैसे एक्स स्क्वायर था, 2 बाहर आ गया और एक पावर घट गया तो 2x पावर 1। तो ये फॉर्मूला तुम लोग ध्यान रख सकते हो फॉर एमसीक्यू पर्पस, ठीक है। हाँ भैया और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, याद रखना, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा जीरो ही जीरो होता होता है। उतार भैया। लिया 16 तारीख सब से बहुत टेस्ट चालू हो रहा है, अच्छा बात है। बोर्ड्स का पहला टेस्ट होगा सर। अब मेरा एग्जाम्पल तो इस महीने का 5 टेस्ट है, आकाश एग्जाम्पल 12 पांच। तुम लोग ये फॉर्मूला क्रॉस चेक करने के लिए कर सकता है जो तुम्हारा सही है या नहीं। एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, अगर हम लोग बाय फॉर्मूला देखेगा, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स मतलब क्या होता है, एक्स पावर माइनस वन, तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, पावर माइनस बाहर वन और एक्स पे पावर -1 + 1 हो जाए। -1 प्लस वन जीरो है, पावर -1 एन माइनस वन होगा। होता है, एन की जगह माइनस वन है, हाँ माइनस n वन, -1। तो मिलेगा माइनस एक्स पावर माइनस टू मतलब -1 बाय एक्स स्क्वायर, ये आंसर आना चाहिए, ये बाय फॉर्मूला है। अब देखो निकालते हैं हम लोग लिमिट, सॉरी लिमिट बोले, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, तुम लोग साथ साथ लिखते जाओ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, कोई प्रॉब्लम। अब बस बैठाना है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, अगर एफ एक्स 1 बाई एक्स है तो एक्स प्लस एच क्या होगा, 1 बाई एक्स प्लस एच और -1 बाय एक्स, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। दिखाओ तो सही भैया अच्छे से। नहीं नहीं दिख रहेगा, हाँ देख लो, अब चेक कर हो जाएगा फिर को अभी। अब ऊपर वाला मैं एलसीएम ले लेता क्या होगा, एक्स प्लस एच
इनटू एक्स, ऊपर आएगा एक्स माइनस एक्स माइनस एच, एक्स और एच एक्स कट गया, नीचे एच है, और एच कट गया, -1 क्या बचेगा देखो, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच बाई एक्स प्लस एच इंटू एक्स, और ये अलग से 1/h था ही, ये 1/h था ही, एच और एच कट गया, तो क्या बचा, एक्स लिमिट प्लस एच एच टेंस टू बाई एक्स जीरो माइनस 1/x प्लस एच इंटू एक्स। अब एच का जगह जीरो बैठा दो, लिमिट बैठा हटाएगा तो माइनस वन माइनस बाई वन एक्स बाई स्क्वायर एक्स बनने वाला है। स्क्वायर हाँ देखो आंसर आ गया। तो तुम लोग को यूजिंग लिमिट करना है, फॉर्मूला से तुम लोग जस्ट क्रॉस चेक कर सकता है जी तुम लोग का सही निकला या नहीं निकला, और फॉर्मूला से एमसीक्यू फटाफट कर सकता है, ठीक है, हाँ समझ गया ना सब लोग, आगे बढ़े। हाँ भैया चलो नेक्स्ट, प्लस माइनस वाला देख लो, नॉर्मल है प्रॉपर्टीज। कौन सा समझा रहा है? डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, अच्छा हम एफ एक्स जी एक्स का जगह डिनोट करता है यू एन वी, हाँ यू प्लस वी, तो इसमें भी क्या होता है, एडिशन में डेरिवेटिव अलग अलग होता है, अलग यानी कि डी यू डी एक्स प्लस डी वी डी प्लस एक्स, सेम माइनस के लिए भी होता है, अगर माइनस लग जाए तो कोई प्रॉब्लम, नंबर नहीं टू मल्टीप्लीकेशन में आता है, डी डी एक्स ये ऑफ कौन सा यू इंटू वी, मतलब देखो पहले यू बाहर रहेगा और वी को डिफरेंशिएट करेगा, प्लस फिर है? वी बाहर रहेगा और यू को डिफरेंशिएट करेगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, बार देख लो, पहले यू बाहर रखो फिर वी को डिफरेंशिएट करो, प्लस हेलो फिर वी बाहर रखो और यू को डिफरेंशिएट करो, एंड नंबर थ्री, डी डी एक्स ऑफ यू बाई वी, एंड ऑब्वियसली वी नॉट इक्वल टू जीरो, ये वी स्क्वायर, इसमें वी बाहर रखा डी यू डी एक्स माइनस यू बाहर रखा डी वी डी एक्स, चेक करो यही है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट है, प्लस वाला में सिंपली अलग हो जाता है, मल्टीप्लाई वाला में देखो यू इंटू डी वी डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू डी एक्स, मतलब पहले यू को बाहर रख के वी को डिफरेंशिएट किया, फिर वी को बाहर रख के यू को डिफरेंशिएट किया, सेम डिवाइड में भी है, यू बाई वी में वी स्क्वायर बाहर रह गया तो न्यूमेटर में क्या माइनस है, माइनस करता है, तो वी को बाहर रख के डी यू डी एक्स माइनस यू को बाहर रख के डी वी डी एक्स, याद रहेगा, चेक करो, नीचे वी स्क्वायर है ना तो ऐसे याद रखना, सिंस नीचे वी स्क्वायर है तो ऊपर पहले वी डिफरेंशिएट नहीं होगा, पहले यू होगा, ऐसे याद रखना, बहुत बार स्टूडेंट उल्टा लिख देता है क्वेश्चन रूल में, ऐसे याद रखो, सिंस डिनोमिनेटर में वी स्क्वायर है तो न्यूमरेटर में पहले वी डिफरेंशिएट नहीं होगा, पहले यू डिफरेंशिएट होगा, मतलब वी बाहर रहेगा और यू डिफरेंशिएट होगा, ऐसे याद रख सकता है, एक बार चेक कर लो, कोई डाउट, ठीक है, ओके, हेलो। हाँ अरे सर पता नहीं हम कब से अनम्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, अनम्यूट कर ही नहीं पा रहे अब जाके ऊपर। हाँ सर समझ गया। अब थ्योरम सिक्स में आओ, तो ये फॉर्मूला अभी अभी हम बताया, हाँ या ना, जो एक्स पावर एन का डिराइव होता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, ओके, हेलो, हाँ भैया सॉरी, अब इसके बाद प्रूफ रहने दो, बाद में देखेगा, इसमें परमुटेशन यूज होगा, ठीक है, एक्सपांशन में, तो एक बार इसका प्रूफ रहने दो, प्रूफ बाद में देख लेगा।
हाँ अब देखो डेरिवेटिव ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल तो हम लोग देख ही चुका है, एक्स पावर एन। जो एक्स पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, याद रहेगा ना ये। एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, कोई डाउट। अब हम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ यूज कर सकता है, ठीक है। ओके मेरा आवाज आ रहा है, हाँ हाँ आ रहे ठीक बोला करो यार, कुछ पता नहीं चलता। ठीक तो देखो एक जनरल एग्जांपल लेता है, मान लो एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालेगा तो हम लोग मालूम है कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो जैसे कि हम बता रहे हैं अगर एफ एक्स इक्वल टू ए इंटू समथिंग है, तो जब डी डी एक्स निकालेगा ना, ये ए बाहर आ जाता है, खाली इसी का डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन में हमेशा कांस्टेंट को बाहर निकाल देता है, याद रखना। तो यहाँ भी वही होगा, ए एन बाहर आएगा और हम लोग एक्स पावर एन को डिफरेंशिएट करेगा, वो क्या होगा, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। फिर ए एन माइनस वन बाहर आएगा और सिर्फ इसी को डिफरेंशिएट करेगा, मतलब पावर बाहर और एक घट जाएगा, और सिमिलरली कंटिन्यू होते रहेगा। ये ए वन रहेगा और एक्स का डिफरेंशिएशन वन ही होता है अगर तुम करके देखेगा, और ए नॉट तो अकेला है, कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो। जब कॉन्स्टेंट अकेला हो जाता है डिफरेंशिएशन जीरो। तो यही आंसर है, हम एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं। मान लो एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस x² प्लस एक्स प्लस 2x माइनस 3, हमको एफ डैश एक्स निकालना है। ये कहाँ लिख रहे हैं? पहले बोलना चाहिए ना, व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा। आपको फ्लो खराब नहीं करना चाहता था भैया, हम देख रहे थे, सुन रहे थे इसके खाली। एक बार देख लो, एफ एक्स लिखा है और उस पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट कर दिया सेकंड लाइन में। हाँ ठीक है, समझ गया। हम रिपीट करते हैं फिर भी, ये कांस्टेंट ए एन बाहर रहेगा और तो एक्स पावर एन को डिफरेंशिएट किया, ए एन माइनस वन बाहर रह गया और एक्स पावर एन माइनस वन को डिफरेंशिएट किया। सिमिलरली ए वन बाहर रह गया और एक्स को डिफरेंशिएट किया, और यहाँ सिंस ए नॉट अकेला कांस्टेंट है इसलिए उसका डिफरेंशिएशन जीरो। जीरो अभी एक एग्जांपल ले लो एफ एक्स, तो पहले फोर हेलो बाहर रह जाएगा 12x² और एक्स पावर थ्री का डिफरेंशिएशन क्या होगा, थ्री एक्स थ्री एक्स स्क्वायर स्क्वायर अब एक्स स्क्वायर में तो कोई कांस्टेंट है नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x, 2x+2 ये 2 बाहर होगा और एक्स का जीरो डिफरेंशिएशन 1, और सिंस 3 अकेला है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। जीरो तो जो बचा वही आंसर, देखो 12x² -2x माइनस टू एक्स प्लस स्टिल 2। एक बार देख लो इसमें कोई डाउट है, कैसे नहीं। निकाला, तो जस्ट इसको यही डायरेक्ट फॉर्मूला लिख ही होगा। सकते हम लोग कौन सा डायरेक्ट लिख सकता है, ऐसे जो आप लिखा है ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ हाँ नहीं तो तुम लोग एक ठीक स्टेप ऐसे लिखना, रुको एक हम बता देते हैं, हम भी है। हाँ बता दो सर, बस 1 सेकंड रुको ना, हम दूसरा मान लो ये डिवाइड कर वाई लो है, ना, एक ठीक है। सेकंड के। हाँ तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 4x³ एक बार रुको हम बुक में देख लेता, बुक में कितना डिटेल्स है। dy/dx d हाँ y की जगह 4x³ आएगा, फिर आप माइनस करके लिख सकते हैं। हाँ तो ठीक है, उतना डायरेक्ट उतना रुकम बता रहे कितना डायरेक्ट लिख सकता है। तुम लोग अलग अलग करना, डी डी एक्स ऑफ 4x³ अलग अलग लिखते हैं, फिर माइनस डिफरेंशिएट करते डी डी हैं। एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस डी डी एक्स टू ऑफ बाहर आ जाएगा। 2x, उस सेकेंड स्टेप में डायरेक्ट करना, माइनस ठीक डी है डी एक्स ऑफ 3, उसका एक एक डिफरेंशिएट कर दो, खत्म। क्योंकि हम लोग मालूम है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अलग हो जाता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अलग हो जाता है, तो देख सकता है लगा दिया हम। तो यही है, कोई डाउट नहीं आदित्य स्वयं, कोई डाउट। तो सर। एग्जाम्पल 13 तुम लोग पे छोड़ रहा हूँ, एग्जाम्पल 14 देखो, निकालनी थी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। चलो क्या गिवन है एफ एक्स बताओ, 1 + x + x² x³ एग्जाम्पल नंबर कितना है, 14 है। एफ एक्स इक्वल टू 1
प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डॉट प्लस एक्स क्यूब डॉट डॉट प्लस डॉट 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 एक्स डॉट पावर एक्स 50। पावर 50। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, सबका डिफरेंशिएशन? 1 + 2x + 3x² सबका डिफरेंशिएशन। जी अब डिफरेंशिएशन अंदर जाएगा तो हर एक पावर का डिफरेंशिएट करेगा, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, जीरो एक्स का 1, वन एक्स स्क्वायर का टू एक्स पावर बाहर आएगा और एक पावर घट जाता है। सिमिलरली एक्स क्यूब का होगा 3x² स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स पावर 50 का होगा, 50 बाहर आ 50 गया और एक एक्स पावर पावर घट गया। फोर्टी अब बोला एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल 1, मतलब एफ डैश 1, तुम बैठा हो 1 वन प्लस 2 टू प्लस 3 प्लस एन डॉट इनटू डॉट एन डॉट डॉट प्लस 1/2 वाला प्लस फॉर्मूला 50। अब जब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन किया था वहां पे मिला था कि सम ऑफ एन टर्म्स इज एन इनटू एन प्लस 1 n+1/2 बाय 2, 2 वन जा 25 2, इनटू 51 25 इनटू 51 कितना आता है? 5 2 5 2 1 1 2 7 5 फाइव टू सॉरी हम क्या कर रहे हैं बोल क्या रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 25 इंटू 51 कितना होता है देखो, तो वही तो बोल रहा 1 2 7 5 चेक कर लो, कोई डाउट? हम मल्टीप्लाई करके खड़ा है 2 मिनट हमको लगा क्या बोल रहे हैं। क्लियर है ना? हाँ हाँ नहीं तो आगे क्लियर बढ़ सकता है। अब जो एग्जाम्पल 15 क्या बोला, एक्स प्लस 1 बाय एक्स, एक कौन नीचे वाला का स्क्वायर होगा फिर एक कांस्टेंट वही ना अब जो ऊपर वाला यू फंक्शन है और नीचे वाला बी वी फंक्शन है, तो तुम चाहे तो डिटेल्स कर सकता है, और डिटेल नहीं करना चाहता है तुम डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाना सकता है, तो भी बैठा बैठा सकता है। देखो हम पहले यू वी पकड़ के दिखाते हैं। लेट यू इक्वल टू एक्स प्लस 1, वी इक्वल टू एक्स, तो बाय फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ यू बाई वी क्या होगा बताओ, वी वी स्क्वायर स्क्वायर वी डीयू बाई डीएक्स माइनस यू। यू डीवी बाई डीएक्स अब बस बैठा दो, फॉर्मूला ही तो है -1/x² आया डी यू बाई डी एक्स। अब तुम चाहे तो पहले यहीं पे साइड में निकालो, इम्प्लाइज साइड में अलग से निकालो। डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन जाएगा 1 जीरो और 1 का डिफरेंशिएशन 0। सिमिलरली डी वी डी एक्स भी निकाल लेना साइड में, 1 हो जाएगा ये भी इसका भी 1 हो जाएगा, तो वी डॉट 1, तो तुमको वो अलग से निकाल के दिखाना नहीं पड़ा, माइनस यू डॉट 1। अरे वी का जगह तो बैठा ही सकता है, एक्स डॉट 1 तो और यू का एक्स जगह एक्स माइनस प्लस वन 1 डॉट 1 बाई एक्स हाँ स्क्वायर। अब बस सेपरेट कोड आंसर आ गया, -1/x² एक्स और एक्स कट गया तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। देख लो एक बार, समझा क्या क्या? और तुम यू भी नहीं पकड़ के डायरेक्ट लिख सकता रहा, जे एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1, हम दिखाता डायरेक्ट वाला भी, लिख के दिखाता हम बस। देखो हम क्या लिखता, एफ डैश एक्स इक्वल टू, हम सीधा लगाता है एक्स स्क्वायर, पहले एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, और क्लास 12 में आएगा तुमको पता चलेगा तुमको डी डी एक्स भी नहीं लिखना है, तुम उससे भी डायरेक्ट लिख सकता है 12th लेवल तक। धीरे धीरे तुम स्टार्टिंग में तुम लोग को इसलिए लिखना ताकि तुम लोग को प्रैक्टिस हो, आदत हो, बाद में तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का वैल्यू भी उतार सकता है, जरूरी नहीं है पूरा डी डी एक्स करके लिखो, वो मैंडेटरी नहीं होगा क्लास 12 में, पर 11 में लिखने का आदत डालो, ठीक है? 11 में लिखने का आदत डालो, तो तुम ऐसे यू वी मान के भी कर सकता है या डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता है, फिर आगे का कहानी सेम ही है, डिटो ये है, ठीक है? हाँ कोई डाउट धन्यवाद यू वी रूल में, यू बाई वी रूल में या क्वेश्चन रूल? क्वेश्चन टू में कोई डाउट नहीं अब दो कंप्यूटर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है? अब दो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, ये डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा तुमको क्लास 12 में, ट्वेल्थ पर सिंस 11 है अभी तो है नहीं, तो तुमको लिमिट यूज करना पड़ेगा, ठीक है?
तो करते हैं। अरे प्रूफ निकालना पड़ेगा। एग्जाम्पल 16 ना, एफ एक्स इक्वल क्या दिया हुआ है, साइन एक्स साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो ये एच एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब क्या, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाई एच, अब बताओ क्या करेगा, अब बताओ क्या कर सकता है, क्या कर सकते, मतलब क्या करेगा आगे, तोड़ दो फॉर्मूला लगा फिर के कॉस के टर्म्स में लाना है तो। ओके फिर हेलो, हाँ बोलो। तोड़ने के बाद क्या करेगा बताओ, तोड़ने के बाद आपको देखो कॉस तो मिल जाएगा। अब उसके बाद देखो, पहले तोड़ो तो सही, तोड़ के देखो क्या आता है। चलो तोड़ते हैं। तो साइन ए प्लस बी क्या था बताओ, स्वयं स्वयं करो तुम बता दो, व्योम साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन बी साइन सी प्लस डी लगा माइनस लो। साइन एक्स, कोई प्रॉब्लम, नहीं, इसके बाद अब सिंस यहाँ एच टेंस टू जीरो है, तो ऑब्वियस बात है साइन एक्स कॉस एक्स कॉन्स्टेंट हाँ है ना, वन है ना। हाँ समझ में आ रहा नहीं क्या बोल रहा हाँ हम। अच्छा अब आगे बताओ क्या करेगा, साइन एक्स माइनस साइन एक्स बन जाएगा क्या, हाँ? ये साइन एक्स माइनस साइन एक्स बन जाएगा क्या, नहीं अलग कर दो ना लिमिट, आ जाएगा आंसर। देखो बता रहा, साइन एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा कॉस एच माइनस वन माइनस वन प्लस कॉस एक्स साइन एच बाई एच, कोई प्रॉब्लम, अब लिमिट अलग करते हैं हम। हाँ लिमिट एच टेंस टू जीरो, हम थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं सिंस साइन एक्स कॉन्स्टेंट है, हम साइन एक्स को बाहर लाएगा ठीक है, हाँ और क्या लिखेंगे, कॉस लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस एच माइनस वन बाई एच प्लस, यहाँ कॉस एक्स कॉन्स्टेंट है तो कॉस एक्स को बाहर लाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई एच, कोई प्रॉब्लम, नहीं। समझ गया क्या किया हम। हाँ अब देखो ये वाला पार्ट का वैल्यू वन होता है, फॉर्मूला मिला है, सॉरी जीरो हाँ होता है, ये वाला पार्ट का वैल्यू जीरो जी होता है, और बाद वाला का पार्ट का वैल्यू वन होता है, इसका वैल्यू वन होता है, इसका वैल्यू वन है, तो मतलब साइन एक्स इंटू जीरो प्लस कॉस एक्स इंटू वन इक्वल टू कॉस एक्स, चेक कर लो स्टेप बाय स्टेप कैसे किया, कहीं पे डाउट है तो फिर से देखो हम बता देगा, बुक में अलग फॉर्मूला यूज़ कर दिया, बुक में साइन ए माइनस साइन बी फॉर्मूला यूज़ कर दिया ठीक है, सी प्लस डी अगर वाला तुम बुक में देखिएगा बुक में भी साइन ए माइनस साइन बी लगा दिया, एक ही बात है, टू कॉस साइन आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग। आंसर वही आएगा, ओके हम भी सही लिखा तो वो भी लोग भी सही किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बस क्या स्टेप बाय स्टेप ब्लेंड भी कर देखते गया। हाँ दिया।
एक दो स्टेप ही लेंदी भाई, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करती क्या और क्या। डन, भैया आगे बढ़े। अब डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स देखो, टेन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स होता है ना इसको। हाँ बस सबका डेरिवेटिव के साइंस। अच्छा वही है ये लास्ट। सबको इतना प्रूफ क्यों करना, हम तो किया ही नहीं था फिजिक्स में, तो हम लोग अरे डायरेक्ट नहीं पाया था हाँ, हम ये लोग को। फॉर्मूला ही है, 12 में मिलेगा सेक फॉर्मूला, का 12 टेन सेक होता में है, बहुत फॉर्मूला मिलेगा। अभी इरिटेटिंग। लीडिंग लिमिट निकाल रहा और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ भैया अब देखो इसको हम यहीं पे दिखा देते हैं, सेम कहानी देखो। एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, फॉर्मूला भी लगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एक्स बाई एच। तो एक्स प्लस एफ एक्स प्लस एच की जगह क्या लिखा, टेन एक्स प्लस एच, और एफ एक्स का जगह क्या लिखा, टेन एक्स। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक देखो। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ, अभी वन बाई एच बाहर रखा और टेन एक्स प्लस एच को ब्रेक किया साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, कोई प्रॉब्लम। नहीं, एच उसका रुका एलसीएम ले लिया, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन बाई एच, कॉस नीचे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स ऊपर क्या बचेगा, फिर साइन एक्स साइन प्लस एक्स एक्स प्लस कॉस एच इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एच प्लस एक्स। माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एच, कोई प्रॉब्लम। नहीं, अभी क्या बन रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, नहीं बन रहा है। साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स हो जाएगा ना फॉर्मूला तो एच टेंस टू से। जीरो बाई वन एच, वन बाई एच बाई डिनोमिनेटर यही है। ऊपर देखो क्या बन रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, तो क्या बनेगा ये, साइन ए माइनस बी, कोई प्रॉब्लम। साइन ए ए माइनस माइनस बी, कोई प्रॉब्लम। देखो कट जाएगा, नहीं एक्स एक्स कट गया तो अंदर क्या बचा, साइन एच देखो ये साइन एच बचा कर बाई एच और इसको अलग रख दिया डिनोमिनेटर को। अब व्हाट इज साइन एच बाई एच, वन वन। यहाँ पे एच टेंस टू जीरो, एच का जगह जीरो बैठा दिया, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या साइन बचा, कॉस स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। एंड वन हाँ बाई कॉस स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स। किसको डाउट, नहीं चेक कर लो, इसके बाद ये स्टेप है सीधा, समझ गया, ठीक है ना। व्यूम ना लिख के दिखाना अलग से, देख लो एक बार, ये ठीक है। आज एग्जांपल छोड़ देता है, एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास करेगा, ठीक है। अब तो एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ये भी अच्छा है। अब हम लोग को पता चल गया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स तो बस यहाँ वही यूज करने वाला। देखो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, हम ऐसे लिखेगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट यू की यू फॉर्म इंटू वी रूल हुआ ना, प्रोडक्ट रूल, में। हाँ ये यू ये वी, तो एफ डेस एक्स क्या होगा। पहले इसको कांस्टेंट रखेगा, फिर उसको कॉस एक्स लिखेगा, तो बी फॉर्मूला हम बता देता है तुम लोग, यू इंटू डी वी डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू डी एक्स। तो यू का जगह साइन एक्स है और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स है। तुम देख सकते हैं लोग साइन एक्स ब्रैकेट में डैश लिखा है, वैसे भी लिख सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी राइट है, डैश मतलब डिफरेंशिएशन है, ठीक है। प्लस वी का जगह लिखेगा साइन एक्स और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब तो आई आंसर साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो क्या बचेगा, साइन एक्स कॉस एक्स। टू साइन एक्स कॉस एक्स, और टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन ट्वाइस एक्स, फॉर्मूला मिला ही है, खत्म। तुम लोग इसको एक और तरीका से कर सकते हैं, अगर वाई फॉर्मूला बताएं। हाँ सुनना, तुम लोग को मिला नहीं मिला हम लोग को पता नहीं, मान लो एफ एक्स इक्वल साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। लेट साइन एक्स इक्वल यू, तो क्या बन गया एफ एक्स इक्वल क्या बना, यू स्क्वायर टू यू स्क्वायर। तो एफ डेस एक्स क्या लिखेगा, हम जाएगा टू यू, टू यू। बट सिंस ये विद रेस्पेक्ट टू एक्स था तो हमको यू को भी अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये हम लोग का में भी होता है, मतलब जैसे अगर कोई उसका फंक्शन नहीं रहता तो अलग से फिर उसका हाँ डिफरेंशिएशन लिखना वही पड़ता है, कहने का मतलब ये है, अगर एफ एक्स है और तुम इज एक्स को नॉट ही अ फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ करा कोई एक्स। प्रॉब्लम नहीं हाँ है, पर अगर मान लो कोई वी आया और वी को डिफरेंशिएट कर रहा है तो तुमको डीवी डी एक्स लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। हाँ
तो वही हम बोल रहे हैं, हम जब u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। एक्स के तो पहले रेस्पेक्ट u में, को पर एक्स डिफरेंशिएट तो कर है ही दिया नहीं। और u स्क्वायर को कर लिया, फिर du dx लिखा। अब बैठा दो, 2u मतलब 2 sin x और d dx ऑफ sin x क्या होता कॉस है, cos x। तो आ गया 2 sin x cos x, पर ये 11 में मिलेगा या अभी नहीं मिलेगा हम ये लोग सब, को है। अगर जो आई डिफरेंशिएट मीन कर रहे 12 हो में मिलेगा, उसका 12 में फंक्शन नहीं हो तब फिर उसको वापस से लिखना पड़ता है। ये 12 में मिलेगा मेथड। तो ये भी नहीं चाहिए, कहने का मतलब है अगर कोई और वेरिएबल आ जाता है तो उसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है हाँ भैया चलो, वो तो बाद में मिल जाएगा, तो देख लेगा पहले लिमिट का फॉर्म में, और ये समझा नहीं समझा वो देख लो। समझ गया। तो प्रोडक्ट रूल का दूसरा नाम है लेबनीज रूल। हाँ कौन सा रूल? लेबनीज। ठीक तो एक बार यहाँ तक देख के रखना, नेक्स्ट क्लास ये एक्सरसाइज खत्म होकर मिसेलेनियस स्टार्ट भी कर देगा, शायद नेक्स्ट क्लास इसी में चला जाएगा, एक्सरसाइज में जाएगा। भैया, थोड़ा सैंडविच रूल के बारे में बता दो ना, हाँ भूल हमें एक गया। कुछ काम करवा देगा। अरे सैंडविच कुछ नहीं था, मान लो हम अभी पढ़ रहा था तो एफ हम बोला ये एक्स तो दिमाग से ही उड़ एच गया। एक्स जी एक्स, ठीक है स्वयं भी समझो। अगर मान लो एफ एक्स इज लेस देन एच एक्स लेस देन जी एक्स, ठीक है, अगर इसका लिमिट भी ए है और इसका लिमिट भी ए है, तो सिंस ये एच एक्स इन दोनों के बीच पिसा हुआ है तो इसका भी लिमिट ए हो जाएगा। ए को ही जाएगा। मतलब देखो एक ग्राफ ऐसे जा रहा है, दूसरा ग्राफ ऐसे जाके इधर आया ए में, अब अगर बीच में एच एक्स बनाएगा तो उसको भी कहाँ से जाना पड़ेगा, इन दोनों के बीच से ठीक यानी कि ए से ही जाना पड़ेगा। तो यानी कि अगर एफ एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, जी एक्स को भी ए को अप्रोच कर रहा है, तो एच एक्स भी किसको अप्रोच करेगा, ए को तो अप्रोच ये हो गया करेगा। सैंडविच थ्योरम। कोई डाउट, नहीं ठीक बस इतना ही है। तो आज का क्लास इतना ही रखता है, नेक्स्ट क्लास जब भी है थर्सडे आई गेस, उसके बाद क्या करेगा? कौन लिमिट के बाद सा चैप्टर चालू करेगा इसके बाद? तुम लोग जो बोलेगा वही कर देगा। परम्यूटेशन कर दो, बचा ठीक है कर देगा क्या है? ये बचा भैया। है इंट्रोडक्शन हाँ टू मतलब थ्री डी ज्योमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आ रहे हम लोग का। तुम लोग स्कूल वाला जानता ना। हाँ नहीं मतलब हम लोग को बोर्ड बोर्ड से तो नहीं करवाया अभी तक, पर कोचिंग में करवा दिया। अच्छा ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्यों नहीं आएगा, हम करवाया ना पूरा। टी कराया ना, टी एडवांस पर्पस के लिए। टी कहाँ डेफिनेटली हुआ, चाहिए। टी तो हुआ नहीं है ना फिर। इक्वेशन से तुम टीआरआई का बात कर रहे हो ना, हाँ आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का बात कर रहे हैं, इक्वेशंस तो हो गया। हाँ भैया, ठीक है हाँ इसके बाद कौन सा चैप्टर कराएगा? परम्यूटेशन बताओ, तुम लोग जो बोलेगा वो क्या क्या और क्या क्या कंटेंट में बताओ, कॉम्बिनेशन। कंटेंट क्या है वो बताओ, कंटेंट बोलो। भैया देखो, परम्यूटेशन क्योंकि ही स्टार्ट कर दो, स्कूल में भी वही स्टार्ट कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक आप करा चुके हैं, ट्रिगो हाँ हो गया, रिलेशंस एंड फंक्शन हो गया, सेट्स हो गया, ठीक है, और हाँ लीनियर इनइक्वालिटीज हो चुका है। अब हाँ उसके बाद जो आएगा आपका वो स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन, ये सब तो अलग ही चैप्टर है। ये सब तो आप बाद में स्टार्ट करना, पहले परम्यूटेशन करवा दो। सीक्वेंस तो हमको कंटेंट एंड में सीरीज भी करा सकते हैं, आपका मर्जी है। एपीजीपी। बाइनोमियल भी है। तुम लोग का बुक से एचपी हटाया हुआ है ना, नहीं हम लोग का कोचिंग में तो बताया है वो जो जेई एचपी। एडवांस हाँ के लिए है, इसमें एचपी नहीं है मेरे ख्याल से, रुको देखता हूँ। हम लोग पर इसमें शायद एचपी भी था बता। जेई का सिलेबस में शायद है क्योंकि हम लोग को कोचिंग में हाँ कराया। जेई का एचपी में सिलेबस में थे। है एक मिनट हम भैया, देखते बेहतर हैं। ही हाँ करवाई दो, उसमें ज्यादा तो है नहीं मेरे हिसाब से। एपी को उल्टा कर दिया तो एचपी बन जाता है ना भाई। एचपी को उल्टा हम करने से बता एपी देगा, मिलता हम है बता देगा, वो तो हम बता ही देगा। एचपी को उल्टा करने से एपी बनता है या एपी को उल्टा करने से एचपी का बनता है, डिफरेंस क्या एपी का होता है। रेसिप्रोकल, एचपी हाँ अगर ए जो जो नंबर एपी में उसका रेसिप्रोकल, क्या बोल रहे हैं हम भी। एचपी में जो है उसका अगर रेसिप्रोकल एपी सुनो में होता है। हाँ, तो एपी का रेसिप्रोकल एचपी में होता है, हम भी तो वही बोला। हाँ वही ठीक है, परम्यूटेशन कम्बिनेशन कर लेगा पहले, जो जिसके स्कूल में जो चल रहा है। आदित्य का स्कूल में क्या चल रहा है आदित्य, हाँ सर, स्कूल में क्या चल रहा है, सर स्कूल में क्या चल रहा स्कूल तो खुला ही नहीं है। है, क्या स्कूल खुला ही नहीं है। तो कुछ तो कराया होगा अभी तक स्कूल में, वो करा था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स करके छोड़ा है, क्योंकि उतना तो क्या आता एग्जाम में। ठीक है चलो कोई बात नहीं होगा, चलो हाँ भैया अब